हे दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन का जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन को क्या करना होता है जॉब में। तो दोस्तों, मेरे पास एक कमेंट आया था, आप देख सकते हैं मेरा एक वीडियो है कि इंस्ट्रूमेंटेशन क्या होता है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा। इसमें कमेंट आया था मोहम्मद कयम का कि सर एक वीडियो बनाइए कि इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन का काम क्या होता है और इसका कितना वैल्यू है गल्फ में, इस पर वीडियो बनाइए सर प्लीज। तो दोस्तों, ये चैनल आप ही का है, आप जैसे कमेंट करते हैं मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूं, उसके बाद मैं आपके लिए स्पेशली वीडियो बनाता हूं। तो दोस्तों, मैं वीडियो बनाता हूं जामिया BHU DU पॉलिटेक्निक JNU और MU पे, और स्पेशल इंस्ट्रूमेंटेशन और कंप्यूटर का भी वीडियो बनाता हूं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ जाइए, साथ ही लाइक बटन को हिट करके हमें मोटिवेट कीजिए और कमेंट के माध्यम से ये बताइए कि आपका कोर्स कौन सा है, आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और मैं बताता हूं इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन क्या होता है। सबसे पहले एक ग्लिम्स देना चाहूंगा इस वीडियो का। इसमें देखिए, ये गेज लगा हुआ है, इसको बोलते हैं गेज। इसमें टेम्परेचर भी नापा जाता है, प्रेशर भी नापा जाता है। इसके अलावा ये प्रोसेस प्लांट्स देख लीजिए। इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन का जॉब इसी एरिया में होता है, ऐसा ही प्लांट्स होता है। इसमें पाइप्स लगे रहते हैं, प्लेटफॉर्म्स होते हैं, तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट्स इसमें लगे हुए होते हैं। पहले सबसे पहले मैं आपको फोटो दिखा देता हूं कि प्लांट्स कैसा होता है और इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन को कहां कहां काम करना होता है। आप देख सकते हैं इस वीडियो में इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन दो काम कर रहे हैं, इसमें लगा हुआ प्रेशर ट्रांसमीटर। इसके अलावा मल्टीमीटर का ज्ञान बहुत जरूरी होता है। आप देख सकते हैं ऐसा मल्टीमीटर आपने आसपास गांवों में देखा होगा, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट और जो भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का रिपेयर करते हैं उनके पास ये मल्टीमीटर होता है। इसको बोलते हैं मल्टीमीटर, यानी बहुत सारा चीजों को मेजर करता है। अब देख लीजिए, एक टोंग टेस्टर है, बिना वायर को छिले हुए, बिना वायर में लगाए हुए, बिना वायर को टच किए हुए भी हम पता कर सकते हैं कि इसमें करंट कितना बह रहा है। इसको बोलते हैं क्लैंप मीटर, क्लैंप ऑन एमीटर्स। दोस्तों, ये देखिए, ये प्रोसेस प्लांट टेक्नोलॉजी है। इसमें न्यूमेटिक वॉल्व लगा हुआ है, इसके साथ ये पोजिशनर भी लगा हुआ है, फ्लेंज भी लगा हुआ है, मल्टीमीटर है, उसके बाद ये PSI में प्रेशर दिखा रहा है, ये प्रेशर ट्रांसमीटर है। और ऐसा कुछ प्लांट्स होता है जिसमें इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन जॉब करते हैं। दोस्तों, इसमें मैंने आपको साइट दिखाया, और साइट के अलावा मैं ये दिखाना चाहता हूं कि किस किस इंडस्ट्री में, किस टाइप के इंडस्ट्री में इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन का जॉब लगता है। इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन का जो जॉब लगता है, आप देख सकते हैं पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स में लगता है, यानी पेट्रोल से रिलेटेड इंडस्ट्री में आपका जॉब लगता है। इसके अलावा ऑयल एंड गैस में भी जॉब लगता है। उसके बाद ऑफशोर इंडस्ट्री में, जो समुद्र के आसपास रहता है या समुद्र में जहां से तेल निकलता है उसको ऑफशोर बोलते हैं, और जो धरती है उसको ऑनशोर बोलते हैं। तो ऑफशोर वो एरिया है जहां समुद्र का एरिया है, समुद्र है, उसको बोलते हैं ऑफशोर। तो दोस्तों, ऑयल एंड गैस से ही रिलेटेड है ऑफशोर इंडस्ट्री। इसमें रिफाइनरी भी है, जो भी कच्चा तेल आता है उस तेल को रिफाइन करके पेट्रोल बनाया जाता है, डीजल बनाया जाता है, एस्फाल्ट बनाया जाता है, ग्रीस बनाया जाता है, किरोसिन भी बनाया जाता है, और पेट्रोलियम जेली जैसे आपका वैसलीन वगैरह बनाया जाता है। तो इंडस्ट्रियल प्लांट्स, जितने भी इंडस्ट्रीज हैं इसमें यूज होता है इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन इस इंडस्ट्री में काम करते हैं। एनर्जी सेक्टर, जैसे पावर सेक्टर है, ऑयल एंड गैस सेक्टर है, ये सारे एनर्जी सेक्टर्स है, इसमें इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन का जॉब लगता है। केमिकल इंडस्ट्री में, केमिकल प्रोसेस में, जहां केमिकल बनते हैं, चाहे वो कलर हो या कोई भी केमिकल बनते हैं, उसमें आपका जॉब लगेगा इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन का। फिर EPC इंडस्ट्री, इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जॉब लगता है। कंसल्टिंग में या कंसल्टेंट में जॉब लगता है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जहां पे दवाइयां बनती है वहां पे भी आपका जॉब लग सकता है। प्रोजेक्ट में लग सकता है, कंस्ट्रक्शन में आपको जॉब लग सकता है। सीमेंट फैक्ट्री में, और फर्टिलाइजर, जिसमें खाद बनता है, जिसमें सीमेंट बनता है, इसमें भी आपका जॉब लग सकता है। पावर प्लांट में तो मैंने आपको बता दिया, जिसको एनर्जी सेक्टर भी बोलते हैं। कमर्शियल बिल्डिंग्स में ऑटोमेशन का इस्तेमाल होता है, जिसमें इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन जॉब करते हैं। एयरपोर्ट्स में तो ऑटोमेशन है ही, इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन वहां भी जॉब करते हैं। शॉपिंग मॉल्स आजकल ऑटोमेशन से भरे हुए रहते हैं, बिल्डिंग टेक्नोलॉजी में इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन का जॉब लगता है। हॉस्पिटल्स में, ऑफिस कॉम्प्लेक्स में, और सबसे बड़ी बात है FMCG में, फास्ट मूविंग
कंज्यूमर गुड्स, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, FMCG, जैसे आपका हो गया बिस्किट्स होंगे, उसके बाद मिल्क्स जो पैकेट्स में आते हैं, मैगी हो गया आपका, शैम्पू हो गया, सॉप हो गया, साबुन जिसको बोलते हैं, यानी तेल, साबुन, बिस्किट, मैगी, इसके साथ आपका कोलगेट जो टूथपेस्ट है, इसके अलावा जितनी भी पैकेट्स में फूड्स आ रहे हैं, खाना आ रहा है, सारा फास्ट मूविंग करियर गुड्स है। शैम्पू से लेके बॉटलिंग प्लांट जैसे पेप्सी, कोका कोला, लिमका, सारे ऑटोमेशन से बनते हैं और सब में इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन का जॉब लगता है। तो दोस्तों, आपके मन में जिज्ञासा तो रहता ही है कि इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन का क्या क्या जॉब होता है। मैं इसमें बेसिक बताऊंगा, अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके पूछिएगा, मैं उसका डिटेल भी वीडियो बना दूंगा। मैं मोटा मोटी इसमें बताता हूं। ये देख सकते हैं कि आपका ये टेम्परेचर गेज है, ये डिग्री सेल्सियस में, जब भी टेम्परेचर मेजर करते हैं किस में, डिग्री सेंटीग्रेड में, जो कि आप यहां देख सकते हैं 0 से लेके 160 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मेजर करता है। टेम्परेचर गेज में ध्यान रखिएगा कि 0 डिग्री अपने देश में तो बहुत कम ही जगह होता है, और जनरली आप गर्मी के सीजन में तो 0 डिग्री नहीं होता है। तो ये जो कांटा है, क्योंकि रूम टेम्परेचर 25 डिग्री के आसपास रहता है, तो ये कांटा जो है 25 डिग्री के आसपास हमेशा रहता है, टेम्परेचर गेज 0 नहीं होता है। यहां देखिए प्रेशर गेज है, जिसमें प्रेशर बताता है किसी भी तेल का, किसी भी लिक्विड का, किसी जैसे स्टीम का प्रेशर हो गया, जैसे भाप का प्रेशर हो गया, पानी का प्रेशर हो गया, और कोई भी लिक्विड है उसका प्रेशर हो गया। केजी पर स्क्वायर सेंटीमीटर में नापते हैं, इसमें देख सकते हैं 8 से लेके उसके बाद 180 का केजी का ये प्रेशर गेज है। ये भी प्रेशर गेज है। लाल वाला जो स्केल है इसमें PSI है। अब इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन करता क्या है, इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन इस गेज को खोलता है, अगर कोई खराबी है तो, अगर मान लीजिए टेम्परेचर 0 दिखा रहा है, तो 0 डिग्री यानी बर्फ बनने वाला टेम्परेचर तो हर जगह होता नहीं है, तो जनरली ये 20 के आसपास रहना चाहिए नॉर्मल टेम्परेचर में। तो जो अगर ये 0 पे आ गया यानी गेज खराब है, तो गेज सही करने के लिए इसको कैलिब्रेट करते हैं टेम्परेचर से। अगर प्रेशर भी गलत आ रहा है तो इसको क्या करते हैं, कैलिब्रेट करते हैं। कैलिब्रेटर मतलब एक स्टैंडर्ड होता है, उससे कंपेयर करते हैं इसके रीडिंग का। तो दोस्तों, इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन का काम होता है कि अगर साइट पे जहां भी लगे हैं, जैसे यहां लगे हुए, अगर ये प्रेशर गेज खराब है तो इसको वहां से खोल के लैब में लाना है, और लैब में लाके इसको कैलिब्रेट करना है, फिर जाके लगाना है। अगर ये खराब हो गया तो इसको रिपेयर करना है, अगर इसका शीशा टूट गया है, जो भी स्पेयर पार्ट्स की जरूरत है, तो इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन को इसको मेंटेन करना है, यानी ये सही में प्रेशर दिखाए लोकेशन पे, जैसे इसमें बार में प्रेशर मेजरमेंट करता है। तो आपका यूनिट एंड मेजरमेंट जरूरी है इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन को, बेसिक थ्योरी भी जरूरी है, जैसे बार क्या होता है, इसमें केजी पर स्क्वायर सेंटीमीटर है, PSI इसमें प्रेशर है, डिग्री सेंटीग्रेड है, कहीं डिग्री फारेनहाइट भी होगा, इसके अलावा और भी टेम्परेचर के जैसे केल्विन भी स्केल होता है। दोस्तों, बेसिक यूनिट एंड मेजरमेंट चाहिए, तभी इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन अच्छे से जॉब कर सकते हैं। यानी ये जितनी भी गेज है इसको मेंटेन करना और कैलिब्रेशन करना, ये इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियंस का काम होता है। इसके अलावा देख सकते हैं कहीं न्यूमेटिक वॉल्व लगे हुए हैं, जैसे ये न्यूमेटिक वॉल्व है, यानी हवा से ये वॉल्व खुलेगा, हवा से बंद होगा, हवा के प्रेशर से ये खुलेगा। जैसे ट्रक में क्या होता है, जब भी ब्रेक लगता है तो उसमें हवा निकलता है, यानी हवा से उसमें ब्रेक लगता है, न्यूमेटिक लगता है। तो दोस्तों, ये न्यूमेटिक है, हवा से ये वॉल्व ओपन होगा, ये वॉल्व क्लोज होगा, ये लगे हुए सारे ट्रांसमीटर साइट्स पे। इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन का काम है कि इनको मेंटेन करना, यानी अगर इसका रीडिंग अगर गलत आ रहा है तो यहां से खोल के इसको लैब में लाना, लैब में कैलिब्रेट करना, फिर जाके साइट पे लगा देना। इसमें केबल का भी चेक करना कि केबल सही है कि नहीं, कभी रीडिंग कंट्रोल रूम में नहीं आ रहा है तो। इसके अलावा इसमें फ्लश करते हैं, ये एक चाबी जैसा रहता है, इसको खोलते हैं तो ये लाइन में अगर कोई कचड़ा भरा हुआ है तो फ्लश हो जाता है। तो इस ट्रांसमीटर को कभी फ्लश करते हैं, जिसको पर्ज भी कहा जाता है, और वायरिंग भी इसमें चेक करते हैं इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन। इसके अलावा इसको कैलिब्रेट करते हैं। कैलिब्रेशन तो इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन का सबसे पहला काम है, उसके बाद बेसिक वायरिंग के बारे में और प्लस माइनस इसमें ध्यान रखना होता है, क्योंकि जो भी इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन काम करता है उसमें प्लस होता है, माइनस होता है, यानी DC जो वोल्टेज होता है, AC में प्लस माइनस पोलैरिटी नहीं होता है, लेकिन DC में होता है, तो इसका ध्यान रखना होगा। जैसे ये DC है
इसमें प्लस है और माइनस है। मल्टीमीटर का ज्ञान होना चाहिए। मल्टीमीटर में क्या होता है कि मल्टी डेटा को मेजर कर सकते हैं। ये सिलेक्टर स्विच होता है, इस पे हमेशा ऑफ रहता है, और जिसमें ये ऐसे वेव जैसा बना हुआ है, इसके मतलब एसी है। इसमें एसी वोल्टेज नाप सकते हैं। अगर इसको यहाँ पे करेंगे तो एसी वोल्टेज नापेगा, इधर करेंगे तो डीसी वोल्टेज नापेगा, और अगर इस लाइन पे करेंगे तो इसमें ओम यानी रेजिस्टेंस नापेगा, अगर इधर लाएंगे तो करंट नापेगा, कहीं डीसी करंट है, कहीं एसी करंट है, कहीं कंटिन्यूटी चेक करना है तो इसमें बीप बजेगा, यानी अगर वायर थ्रू है तो बीप की बजेगा। तो इसमें पॉजिटिव निगेटिव ज़रूरी होता है, ये ध्यान रखने वाली होती है, इसलिए कलर भी लाल है, लाल पॉजिटिव है, ब्लैक निगेटिव है। तो दोस्तों, इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन का काम होता है कि मल्टीमीटर को सही से चलाए, इसमें कब वोल्टेज नापना है, वोल्टेज एसी नापना है या डीसी नापना है, करंट एसी नापना है या करंट डीसी नापना है, तो आपको ध्यान रखना होता है, और रेजिस्टेंस कब नापना है, कंटिन्यूटी कब, कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी केबल खराब हो जाता है, कट जाता है, तो कंटिन्यूटी मार के ही देखते हैं, चाहे केबल ओपन होता है या शॉर्ट होता है, यानी कट हो जाता है या दो वायर सट जाता है, तो उसको चेक करने के लिए कंटिन्यूटी पे इसको सिलेक्टर को यहाँ घुमा के कंटिन्यूटी पे रख देते हैं, और जब वायर सही रहता है तो बीप बजता है, शॉर्ट रहता है तो भी बजता है, कट हो गया तो कुछ भी आवाज़ नहीं आएगा। तो मल्टीमीटर चलाना सीखना ज़रूरी है इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियंस को। इसके अलावा ये क्लैंप पिंटर देखिए, अगर आपको करंट नापना है इस वायर से, तो आपको बिना वायर को खोले हुए क्लैंप मीटर ऐसे इसको यहाँ से प्रेस करेंगे तो ये जॉ खुल जाएगा और निकल जाएगा, और यहाँ टांग दीजिए तो बता देगा इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है। इसको बोलते हैं क्लैंप ऑन मीटर या टोंग टेस्टर भी बोलते हैं। ये MCB लगा हुआ है, तो ये इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियंस का काम है। इसके अलावा अगर थ्योरिटिकल आप देखेंगे तो थ्योरिटिकल में थ्योरी में जाएंगे तो आप जो इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियंस होंगे उनको इंस्पेक्ट करना पड़ेगा कि इंस्ट्रूमेंट सही है कि नहीं, टेस्ट करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा, रिपेयर करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल और न्यूमेटिक इंस्ट्रूमेंट। न्यूमेटिक होता है, इसको बोलते हैं न्यूमेटिक। न्यूमेटिक मतलब होता है हवा से चलने वाला, किससे, हवा से चलने वाला को न्यूमेटिक बोलते हैं। इसके अलावा आप इसमें बहुत सारे कंट्रोल सिस्टम होते हैं, रिकॉर्ड करने के लिए होता है कि कोई भी हिस्ट्री को रिकॉर्ड किया जाए, टेस्ट करना होता है फ्लो मीटर का, प्रेशर गेजेस का, टेम्परेचर का, टेम्परेचर कंट्रोलर, रेडिएशन काउंटर्स, डिटेक्टर्स, रिकॉर्डिंग, इंटीग्रेटिंग, कंट्रोलिंग इंस्ट्रूमेंट, बेसिक चीज़ें आप जान लीजिए। फ्लो होता है, प्रेशर होता है, टेम्परेचर होता है, इसके अलावा जो होता है वो होता है प्रेशर। प्रेशर तो प्रेशर टेम्परेचर, प्रेशर टेम्परेचर, फ्लो और लेवल, लेवल मेजरमेंट भी ज़रूरी होता है। तो लेवल हो गया, प्रेशर हो गया, फ्लो हो गया, टेम्परेचर हो गया, चार इंस्ट्रूमेंट बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा वाटर केमिस्ट्री के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, एनालाइजर्स होते हैं, जैसे आपका pH हो गया, कंडक्टिविटी हो गया कि वाटर में कितनी कंडक्टिविटी है, और इसके अलावा सिलिका होता है, सिलिका एनालाइजर्स होते हैं, ये बेसिक वाटर केमिस्ट्री है। इसके अलावा एयर की क्वालिटी मॉनिटर होती है और वाटर की क्वालिटी मॉनिटर की जाती है, जिसमें आप देख सकते हैं BOD, COD, जो भी वाटर में टर्बिडिटी है, गंदगी कितनी है, इसके अलावा उसमें कोई लेड वगैरह तो नहीं है, इसमें गंदगी कितनी है, उसमें एसिडिटी कितना है, pH एनालाइजर से पता चलता है। तो दोस्तों, इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन के मोटा मोटी जॉब जान लीजिए, बेसिकली कैलिब्रेशंस का जॉब होता है, जिसमें क्या करते हैं, चीज़ों को कैलिब्रेट करते हैं। आप देख सकते हैं जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ें है वो है आपका P&ID डायग्राम। P&ID डायग्राम यानी ड्राइंग में आपको पता होना चाहिए कि PV लिखा हुआ है ये क्या है, LT लिखा हुआ है ये क्या है, ये लेवल ट्रांसमीटर है, यहाँ प्रोसेस वैल्यू है, आप देख सकते हैं सिम्बॉल, आप इसमें आप जहाँ PC लिखा हुआ है यानी प्रेशर कंट्रोलर है, PI लिखा हुआ है प्रेशर इंडिकेटर है, FA लिखा हुआ है फ्लो अलार्म है, ये सारे याद होना चाहिए इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन को। फ्लो एलिमेंट है, फ्लो इंडिकेटर है, शट डाउन वॉल्व है, तो ये सारे P&ID डायग्राम होता है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियंस को पढ़ना, क्योंकि इस लाइन में कौन सा इंस्ट्रूमेंट कहाँ लगा हुआ है, इसको बोलते हैं P&ID डायग्राम। क्या बोलते हैं, P&ID डायग्राम, यानी P मतलब होता है प्रोसेस, P का क्या मतलब होता है प्रोसेस, और एंड हो गया इंस्ट्रूमेंटेशन, I से इंस्ट्रूमेंटेशन डायग्राम,
DIAGRAM। तो प्रोसेस एंड इंस्ट्रूमेंटेशन डायग्राम यानी P&ID, ये डायग्राम है। इसमें आप देख सकते हैं सिंबल है, हर सिंबल का मीनिंग है कि ये सिंबल को क्या मीनिंग है। जैसे कि गेट वॉल्व ऐसा होगा, मोटराइज वॉल्व ऐसा होगा, हाइड्रोलिक वॉल्व ऐसा होगा, नीडल वॉल्व ऐसा होगा, न्यूमेटिक वॉल्व ऐसा होगा, हाइड्रोलिक वॉल्व ऐसा होगा। और इसके अलावा जो स्पेशल सिंबल है जो गोल से घेरे हुए हैं, जैसे देख सकते हैं इसमें लेवल अलार्म है, लेवल हाई अलार्म है, लेवल कंट्रोलर है, लेवल ग्रास है, प्लग वॉल्व है इत्यादि। ये सारे चीज़ें आप देख रहे हैं, ये सारे इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियंस का काम होता है। तो दोस्तों मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, फिर भी अगर आपके पास डाउट होगा तो ज़रूर पूछिएगा। पूरे गल्फ कंट्री में, पूरे इंडिया में आने वाले टाइम में हर जगह ऑटोमेशन का डिमांड बढ़ने वाला है, जिससे इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियंस का जॉब बढ़ेगा। गल्फ में तो ऑलरेडी डिमांड बहुत ज़्यादा है और सैलरी 40,000 से 50,000 के बीच में मिलता है, और अच्छे टेक्नीशियंस जिनको अच्छा नॉलेज आता है, इंग्लिश का भी नॉलेज है, वो 1,00,000 रुपया 2,00,000 रुपया भी महीना कमाते हैं गल्फ कंट्रीज़ में और फॉरेन यूरोपियन एंड अमेरिकन कंट्रीज़ में। और इंडिया में धीरे धीरे शुरुआत हो चुकी है, आने वाले टाइम में इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियंस के जॉब इंडिया में भी बढ़ने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना है। जामिया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, पॉलिटेक्निक यूपी बिहार, जामिया पॉलिटेक्निक और इसके अलावा एमयू पॉलिटेक्निक, दिल्ली पॉलिटेक्निक, हरियाणा स्टेट के सारे पॉलिटेक्निक, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, सारे का वीडियोस मैं बनाता हूँ एडमिशन से रिलेटेड। तो अगर आप मेरे चैनल पर अभी भी नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में हमें रही ज्ञान के। अगर डाउट है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, हमें रही ज्ञान के। फिर मिलेंगे चलते चलते, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय ऑल दोस्तों।